नर नारियों बच्चों बच्चियों, ये महापुरुषों का पुनीत, ये पवित्र स्मृति, महापुरुषों की यादगार, उन्होंने जो वस्तु अपनी दया और कृपा से दी और जिसके लिए आदेश दिया कि मेरा ये वक्त अब रह नहीं गया, इस वस्तु को जन आत्माओं को बांट देना। हम लोगों ने ये प्रार्थना की कि महाराज आप तो गृहस्थ आश्रम में रहते हैं, कोई अलग और थलग कोई एक छोटा मोटा आश्रम होना चाहिए, आपकी उपस्थिति में एक निर्माण हो जाए, आपकी बड़ी कृपा होगी। तो वो गांव से चलकर, चिरौली गांव से चलकर जिला अलीगढ़ से यहां मथुरा आए और ये पहले सन 40 में ये पगडंडी मार्ग था, इस रास्ते से आए और यहां आकर के वो बैठ गए और थोड़ी देर के बाद में बोले कैसे चलो। या उन्होंने कुछ नहीं कहा, कहा कि अच्छा उस पार एक आश्रम बनाओ, वहां झोपड़ी बनाई गई और रखी गई। रात्रि को उन्होंने कहा कि भजन करके तुमने देखा कि जमीन कैसी है, तो ये कहा गया कि महाराज भजन तो किया नहीं, अब देखेंगे रात को। फिर सुबह पूछा कि भजन इस जमीन पर हुआ कि नहीं, मैंने कि बिल्कुल भजन नहीं बना। सुबह 8:30 बजे बोले कहने लगे इसमें आग लगा दो, ये जो झोपड़ी बनाई इस पर लगाओ आग। कुछ लोगों ने सोचा कि इतनी मेहनत की, आग इसमें कैसे लगाई जाएगा, चार नहीं लगाते हो तो उखाड़ो, और झोपड़ी अपने सामने उखड़वा के फिरवा दी। उसको तो गांव वाले लगे और कह लगे चलो। वो बरसात का मौसम आ गया, जेठ का महीना था, बरसात आ गई। जब बरसात आई तो मैं इस जमुना के उस पार में एक मकान में रात को लेटा हुआ था, तो क्या देखता हूं कि स्वामी जी ने आकर के उठाया और कहा कि खड़े हो जाओ, देखो ये क्या हो रहा। तो तमाम आदमी तमाम जानवर ये बहते हुए पेड़ और गांव के गांव डूब गए और ये सब हो गया और बड़ी चिल्लाहट हो रही। ये सब रात को स्वप्न में देखा और गांव वालों से कहा कि सब गांव डूब गए। ये गांव से कहता हुआ और एकदम से वहां से चल दिया। जब वहां स्वामी जी महाराज के पास पहुंचा चिरौली गांव में, तो उन्होंने पूछा कि भाई मथुरा का क्या समाचार। मैं सब ठीक, कुछ नहीं बोले, चुप हो गए। थोड़ी देर में समाचार गया कि वो मथुरा तो सब डूब गए, गांव के गांव बह गए, जानवर बह रहे, आदमी बह रहे, ये सब बड़ा समाचार मिला। वो बोले वो रात्रि को कह लगे देखा तुम वहां झोपड़ी बनाते और बह जाते, रात को बैठे होते और बह जाते तो लोगों का भी नुकसान हुआ। तो तुम लोग संतों और महात्माओं को तो जानते नहीं हो कि वो क्या देखते। अब इस पार में कभी भी तुम आश्रम मत बनाना, यमुना के उस पार में आश्रम बनाना, यानी
अलीगढ़ से इधर, ये मालूम नहीं था। आश्रम तो बनाया था कृष्णानगर में, लेकिन ये नहीं मालूम था कि यहां भी बनाना पड़ेगा। जब यहां जमीन ली तो फौरन वो बात याद आ गई कि गुरु महाराज तो यहीं बैठे थे और उन्होंने कहा था उस पार आश्रम बनाने का। तो कहने का तात्पर्य मतलब ये है, एक तो महापुरुष सब जानते हैं, उनसे कुछ छुपा नहीं होता है, और साधक भक्त सत्संग सुनने वाले नारी उनकी बातों को हजम नहीं कर पाते हैं, समझ भी नहीं पाते, इसलिए वो उतनी बात कहते हैं जितनी जरूरत, अधिक उसको घुमा के छुपा लेते और बोलते नहीं। स्पष्ट भी नहीं समझेगा, इशारे में भी नहीं समझेगा, घुमा करके भी नहीं समझेगा, अर्थ का अनर्थ करेगा। तो उनकी ये पुण्य तिथि अग्रहण सुधी दशमी को प्रतिवर्ष ये 39 साल हो रहे हैं ये मनाई जाती है, और इस स्थान पर बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर उपस्थित होते हैं, हर वर्ग हर जाति में। इसमें जात पात का कोई भी किसी तरह का रगड़ा और झगड़ा नहीं, न किसी भी जात पात का कोई विवाद है, और न किसी जात पात की कोई बुराई आलोचना। कोई किसी भी जात पात में और किसी समाज वर्ग में रहो, कोई भी खेती दुकान दफ्तर के काम करो, अपने अपने काम उनको करो, और शाम को अपने अपने घर में बच्चों की सेवा, उसके बाद अनादिकाल से सनातन आत्म कल्याण का एक ही मार्ग, न दूसरा कभी हुआ न कभी होगा। और वो सब लोग, सबको अधिकार मिला है, किसी भी जात पात में छोटे बड़े अमीर गरीब हों, भगवान के भजन करने का सबको स्वतंत्र अधिकार दे दिया गया है कि कोई भी भगवान का भजन कर सकता, और उस भजन में कोई भी जात पात रोका टोकी नहीं कर सकते। वैदात में भजन किया, कबीरदास में भजन किया, क्षत्रिय में मीराबाई, ब्राह्मण में तुलसीदास, और बहुत से ऋषि और मुनि आए, उन्होंने अपनी अपनी वर्ग जातियों में भगवान का भजन किया, और सबको अधिकार अनादिकाल से। जात के संज्ञा नाम की देकर ये तो काम किए, अभी तक आपने कभी भी किसानी का खेती का काम नहीं किया तो आप किसानी बोले जाते, जब आप खेती का काम करने लगे तो बदल गया संज्ञा नाम की, संज्ञा बदल कर कहा उन्होंने कि तुम किसान हो, खेती छोड़ दी दुकान करने लगे तो नहीं तुम दुकानदार हो, दुकान और खेती छोड़ दी नौकरी करने लगे तुम कर्मचारी अधिकारी हो, वो भी छोड़ करके कोई आदमी और कुछ करने लगा तुम नाई हो धोबी हो, लेकिन शुरू शुरू में तो सभी मनुष्य। वहां कोई जातियों का पहले उल्लेख आता है, मनुष्यता का तो उल्लेख आता है, ज्ञान का उल्लेख, तत्वदर्शी उल्लेख आता है, आनंद का भी आता है, मुक्ति का और मोक्ष का भी है, क्योंकि पहले सब जो है योगी विज्ञानी कोई भी नारी बच्चे बच्चियां उससे सुन नहीं थे, सब योगी थे, सब विज्ञानी थे, प्रसार थे। अब ये झगड़ा जो आपने डाल लिया है, और जब आप बुद्धि का विवेक खो चुके हो तो ये झगड़े झगड़े में फंसते, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ, इसी में काम होता है, क्रोध होता है, लोभ होता है, मोह अहंकार होता है, इनसे भजन होने वाला नहीं। इन सब भूतों से भजन कभी होता नहीं, काम आएगा, क्रोध आएगा, लोभ आएगा, मोह आएगा, अहंकार आएगा, इनसे कभी भगवत भजन और पूजा नहीं हो सकती, कभी किसी इष्ट की उपासना हो ही नहीं सकती। जब इन सब चीजों का परित्याग करोगे तो अपने अपने इष्ट की तभी उपासना कर सकोगे, तो नहीं हो नहीं सकती। और ये यहाँ कोई रखना जगह सब वर्ग के आते हैं, सब जातियों के आते हैं, पढ़े लिखे अनपढ़ आते हैं, यहाँ उपस्थित होते हैं, यहाँ कोई विशेष जात का काम नहीं। और ये सब लोगों ने अच्छी तरह से निरख और परख लिया और पहचान लिया, और हमारे यहाँ सब लोगों को सम्मान मिलता है।
हम भी वैसे ही रहते हैं जैसे आप रहते हो। तो असली चीज यह है कि आप उन झगड़ों से अलग हो जाओ, बात जो है महापुरुषों की उसको समझने की चेष्टा करो, और जो महापुरुषों ने अपना आशीर्वाद दिया है जिसे आत्मधन को बांटने के लिए, उसको आप ले लो, यही आपके लिए सौभाग्य की घड़ी है। नहीं, ये भी वक्त समय निकल जाएगा तो फिर कुछ मिलने वाला नहीं। मोटी बातें हैं। अब वो समय समय के तरीके इसे आध्यात्मिक धन को बांटने के लिए अलग अलग रास्ते अलग अलग हो जाते हैं। आपने देखा होगा जब फौजें लड़ती हैं तो एक तरीके से नहीं लगती है कि पुराना उपाय किया जाए। अब आर्दों के जमाने की लड़ाई अलग अलग है तो उसे तरीके को लेकर लड़ाई तो लड़ाई है, लड़ाई का तो मतलब लड़ाई है, लेकिन कोई आगे से घेरता है, कोई पीछे से, कोई ऊपर से घेरता है, कोई जमीन में से घेरने लगता है, अलग अलग। मूल मतलब ये मारना। इसी तरह से संतों और महात्माओं ने जो काम समय समय पर किया, जब जैसी मेहनत हुई तब तैसा काम किया। इस समय मेहनत ज्यादा है तो ज्यादा घेरा घारी, लेकिन वस्तु जो है अध्यात्मा, आत्माओं का धन है, उसे कैसे दिया जाए और कैसे लोग इसको स्वीकार कर लेंगे और उसका लाभ कैसे लेंगे और मुक्ति और मोक्ष है इनको कैसे मिलेगी, जन्म मरण से कैसे बचेंगे, 84 नरकों की यातनाओं से कैसे छूटेंगे। मैन मुद्दा, असली लक्ष्य, निशाना तो महात्माओं का ही है। अब बात यह है कि खान पान है वो तो सबको मना कर, गंदा मत खाओ, गंदा मत पियो, बुद्धि खराब होगी, इंद्रियां खराब हो जाएंगी, ये हो जाएगा वो, ये तो मना करना ही पड़ेगा वो तो सबके लिए। इसमें जातवाद विशेष वर्ग की बात न हिंदू न मुसलमान न ब्राह्मण न क्षत्रिय, तो सबकी एक बात, और सभी महापुरुषों ने वर्जित जो खराब चीज है उसको वर्जित किया, मना किया, निषेध बताया। तो वो तो आपकी किताबों में भी है और किताबें नहीं समझते हो तो महात्मा समझा देते। तो मोटी बात को मेरी बड़े ध्यान से आप सुनेंगे, ये बात कभी लेकर के भी मत जाना। और अब की बार उपस्थिति ये इस वर्ष में विशेष कार्यक्रम 86 में अभी हो गया, और मैंने जगह जगह हर स्थानों पर हर प्रांतों में 12 प्रांतों में सबको नामदान दिया, सुलभ और सीधा सबको रास्ता बतलाया। उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, बंगाल हो या आसाम हो, इन उड़ीसा में 12 प्रांतों में भ्रमण किया है, हर रोज सबको नामदान दिया और उनको बताया कि खान पान ऐसा तुम अपना शुद्ध और पवित्र रखना, जो खराब चीज है उसका परित्याग करने देना, और बाल बच्चों की सेवा और खेती दुकान दफ्तर के काम करना, लेट के करो बैठ के करो, ये तुम्हारा बड़ा ही सौभाग्य है कि ये मालिक ने ऐसी प्रेरणा दी कि प्रांत प्रांत में इस वस्तु को जा करके बांट दो। तो खूब अच्छी तरह से ये लुटाई गई, और ये सोने चांदी हीरे जवाहरात से नहीं लुटाई जाती, न हीरे जवाहरात सोना और चांदी राजपाट ये नहीं दे सकता, ये तो जब मालिक का आदेश हो जाएगा तभी ये अनमोल ये धन बटेगा, बगैर उसकी कृपा के नहीं हो सकता। तो खूब अच्छी तरह से 90 दिन तक बांटा गया, और जितने महीने इधर 4 मई के बाद हुए वो लगातार बट रहा, और अभी बराबर ये बटता रहेगा। बड़े ध्यान से मेरी बात को सुनेंगे, और हर तरह की जो परिस्थितियां समाज में, जो जटिल परिवार में या खेती और दुकान और दफ्तरों के कामों में आ गई, उन परिस्थितियों को सुलझाने के लिए एक संकेत लोगों को फेंका, एक संकेत दिया कि तुम पीड़ित क्यों हो, तुम दुखी क्यों हो, तुम परेशान क्यों हो, तुम रोते क्यों हो, तुम बीमार क्यों हो, तुम झगड़ा क्यों करते हो, तुम जातियों के झगड़े में क्यों हो, इस तरह से तुम इसमें एक संकेत उनको दिया। और लोगों ने संकेतों को सुना और देश में उसकी जनमानस में चर्चा प्रारंभ हो गई, दोनों चर्चाएं चल रही हैं।
मानववाद की भी चर्चा है और अध्यात्मवाद की भी चर्चा है, और दोनों को आपको ये पूरा कर दिया जाएगा कि अध्यात्मवाद भी पूरा हो और मानववाद भी पूरा हो, दोनों चीजें पूरी हो। जब तक मानववाद नहीं आएगा तब तक अध्यात्मवाद स्वप्न में भी नहीं आएगा, मानववाद की जरूरत। तो ये संकेत दिए उन लोगों, जितनी उनमें हजम करने की क्षमता थी उतना संकेत दिया, और अब दूसरा संकेत मिलेगा। उतना तो लोगों ने उसको जितना चाह उतना हजम किया, और उसमें आदान प्रदान में बड़े तर्क और वितर्क से सब चीजें अपनी जगह पर आकर के फिर जितनी हजम करने की थी बैठ गई। अब दूसरी चीज उनको मिल जाएगी। पहले तो मैंने ये सोचा था कि चलो भाई मैं मेहनत करूं, तो 12 प्रांत 90 दिन तक तो मैंने मेहनत की और आपको दिखाने के लिए ले गया कि देखो लोग क्या चाहते हैं और क्या भाव है, क्या इनमें श्रद्धा है, ये सेवा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, ये सुन सकते हैं कि नहीं सुन सकते हैं, इनमें धार्मिकता है कि नहीं है, इनको खड़ा होना या बैठना या प्रणाम करना आता कि नहीं। वो आपने 12 प्रांतों में पूरा अनुभव किया कि ऋषियों मुनियों ने ऐसा जकड़ कर सारे देश को एक धागे में बांधकर, जैसे माला के दाने उस धागे में बांधकर जकड़े रहते हैं, ऐसे ही ऋषियों मुनियों ने साधु संतों ने इस देश के मानव को उस धार्मिकता में जकड़ के रखा, और वो इसको कोई मिटा नहीं। लोग ऐसा कहते थे कि आसाम में लोग बाबा नहीं समझेंगे, और जब वहां लोगों को सुनाया कितनी भीड़ है और उनसे पूछा कि कुछ समझ में आता, कह सब समझ में आता, हमको आज तक ऐसा कोई महात्मा ही नहीं मिला, ना यहाँ कोई आया ना उसने ऐसी बात सुनाई ना ऐसा रास्ता उसने दिया। और ये क्या चीज है अशुद्ध खाना, ये तो कुछ नहीं है, छोड़ देंगे नहीं खाएंगे आज से, अरे अनाज है, सब्जी है, फल है, दूध है, घी है, और सूखे और गीले मेवे हैं और कपड़े हैं, पहनेंगे, गंदी वस्तु नहीं खाएंगे और नहीं पिएंगे, ऐसा लोगों ने खुल्लम खुल्ला कहा वहां के स्त्री और पुरुषों ने। इससे ये मालूम है कि उनको बोध हुआ, हमें संकेत किया, उन्होंने कहा हम समझ गए। तो चीज ये है, अब की बार जो निकलने जा रहा है वो हमारी तरफ से नहीं है, वो टाट वालों की तरफ से। कुछ वर्षों पहले, तारीख को आपको मालूम है कि कब आदेश दिया गया था, किस सन में और किस साल में आदेश दिया था, ये तो आपको पता है टाट पहनने का, और आपने पहन लिया। अब ये टाट वालों का ये काफला निकलेगा और इनका एक सम्मेलन टाट वालों का सरयू जी तट पर अयोध्या किनारे सम्मेलन होगा, उस सम्मेलन में रिद्धियां सिद्धियां और शक्तियां बांटी जाएंगी, क्योंकि मैं अकेले काम नहीं कर, और मैं इनसे बांट करके इनसे काम लूंगा, और जब इनको रिद्धियां सिद्धियां शक्तियां बांटूंगा और इनसे काम लूंगा तो उसको देखूंगा कि ये काम करते हैं, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, करने की क्षमता इनमें आ रही कि नहीं आ रही। ये मैं पहुंच करके ये देखूंगा, लेकिन ये अब की बार जो निकलेगा 80 दिन का और 11 प्रांत 8000 किलोमीटर की यात्रा का, वो इनका होगा, लेकिन मैं साथ जरूर रहूंगा। क्यों? इसलिए कि रिद्धियां सिद्धियां शक्तियां बांटूंगा, उसका दुरुपयोग तो ये लोग नहीं करेंगे, नहीं दुरुपयोग कर दें तो बड़ा भारी नुकसान हो जाएगा, तो फिर फायदा नहीं होगा, तो उसका कंट्रोल करूंगा, नियंत्रण में रखूंगा, तो साथ तो रहूंगा क्योंकि टाट तो मैंने पहराया, और फिर इनको रिद्धियां सिद्धियां शक्तियां बांटूंगा 80 दिन के लिए, तो नियंत्रण तो रखना ही पड़े, ऐसे इनको छोड़ करके अगर भेज दूं तो ये बड़ा भारी नुकसान करते हैं, तो कुछ का कुछ कर देंगे। तो आज अभी तो मैं बात आपको बाद में बताऊंगा, पहले सत्संग सुने। सबसे पहले
ना यहाँ कोई समुद्र था, ना यहाँ कोई पृथ्वी थी, ना यहाँ कोई आकाश था, ना यहाँ अग्नि थी, ना वायु। इन पांचों तत्वों में से इसमें कुछ भी नहीं था। जब यहाँ पृथ्वी नहीं होगी तो पानी नहीं होगा, और पानी पृथ्वी नहीं होगी तो अग्नि और वायु नहीं होगी, और आकाश नहीं होगा तो यहाँ पर वेद पुराण पुराण उपनिषद ऋषि मुनि साधु संत महात्मा सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग कुछ नहीं होगा। जब यहाँ कुछ नहीं था तो ब्रह्मा विष्णु महादेव स्वर्ग वैकुंठ 14 भवन 14 तबक कुछ नहीं। फिर इसके बाद न शक्ति थी, न माया थी, न निरंजन भगवान थे, न ब्रह्म थे, न पार ब्रह्म थे, कोई चीज यहाँ पर नहीं थी। तो अब आपको मालूम हो गया होगा कि न पाप था, न पुण्य था, न नरक था, न चौराती थी, और न जलम था, न मरण था। जब तुम थे ही नहीं, कुछ नहीं। रामायण को फिर पढ़ो, एक अन्य अनामा अग सच्चिदानंद प्रभु धाम, वो एक अन्य अनाम, वो पुरुष था, अलग था, पूर्ण था, सर्वशक्तिमान था, उलमकुल था, और सर्व मुख्तार मालिक जिसको कहते हैं, जिसको स्वामी कहते हैं, वही था। तो उन्होंने कहा एक अनि अनामा अग सच्चिदानंद प्रभु धामा, प्रकृति पार प्रभु और वासी, प्रकृति के पार प्रभु और वासी, ब्रह्म निरीय ब्रज अविनाशी, तहां मोह कर कारण ना। और कहते हैं ऐसे सूर्यों का वहां प्रकाश क्या करेगा, ऐसे अगर कितने सूरज जर्रे जर्रे में लगा दिए जाए और जर्रे जर्रे सूरज बन जाए, और यहाँ के सूरज नहीं स्वर्ग और वैकुंठ के सूरज बन जाए, और वैकुंठ के नहीं तो ब्रह्मलोक के ब्रह्मांडों के सूरज बन जाए जर्रे जर्रे के, तो कहते हैं उसकी रोशनी के सामने टिमटिमाएंगे भी नहीं, दिखाई भी नहीं देंगे। कहते कि दिन में तारे दिखाई नहीं देते हैं जब धूप निकलती, उसकी रोशनी में ये एक भी दिखाई नहीं देंगे। तो कहते हैं कि वहां पर ये कोई भी चीज नहीं, एक यानी अनामा सच्चिदानंद उदा, उसका अखंड धाम पहले भी था अब भी है, ना उसकी ऊपर और नीचे दाएं बाएं की कोई पैमाई, ना उसके लिए यहाँ कागज है ना स्याही है, पूरा समुद्र घोल दिया जाए और इसकी स्याही बना दी जाए, और पूरे जंगलों के पत्तों की कलम बना दी जाए, जितनी घात खड़ी है उसकी कलम बना दी जाए, और बोर बोर करके लिखा जाए तब भी लंबाई चौड़ाई की पैमाई नहीं लिख सकते हैं, इतना लंबा चौड़ा है। एक अनिया अनामा सज्जनंद, उसको अनाम कहते हैं, कुछ नहीं था, वो अकेला अब भी है, पहले भी था, आगे भी था। उसी की मौज और मर्जी से अगम लोग बना, उसी की मौज मर्जी से अलग लोग बना, उसी की मौज मर्जी से सतलोक बना, और तीनों लोकों में अनामी मालिक ने वो तीनों अपने, वो सत्य सत्य तीनों देशों में सती सत्य रचना रखी, और वहां पर सतपुरुष को सतलोक में, अलग पुरुष को अगम लोक में, और अगम पुरुष को अगम लोक में, अलग पुरुष को अलग लोक में, और अगम पुरुष को अगम लोक में, तीनों को अलग अलग स्थापित कर दिया। और इन तीनों लोकों की जो महिमा और इसकी दूर दराज लंबाई चौड़ाई भी नहीं लिखने में आ सकती, ये वैसे के वैसे अब भी है, और वो अनामी लोक अनामी पुरुष वो अलग, और इसके बाद जो रचना का विस्तार हुआ है वो सतलोक सतपुरुष से, इन्हीं की मौज और मर्जी से, सतपुरुष की मर्जी से जो सतलोक में जो विराजमान है, इन्हीं ने सद रचना का और इन्हीं के यहां से सारा भंडार ये मिला, इन्हीं की आवाज से, इन्हीं के शब्द से, इन्हीं की दत्कार से, इन्हीं की साउंड से, इन्हीं की बोली से अखंडों अनंतों ब्रह्मांड
पार ब्रह्मांड और ब्रह्मांड ये सब उसी की आवाज पर सब बने, और इन्होंने अपने पुत्रों को अपने अपने लोक में स्थापित कर दिया और उन सबको उन तपस्या के एवज में प्रसन्न होकर के सब रात दे दिया। जाओ तुमको ये रात दिया, ईश्वर को ये रात दिया, जिसको कि मुसलमान खुदा कहते हैं, हिंदू ईश्वर कहते हैं, ईसाई घाट कहते हैं। उनका राज अलग है, ब्रह्म का राज अलग है, पारब्रह्म का राज अलग है, महाकाल पुरुष का राज अलग। सतपुरुष ने इन सबको अलग अलग राज दे दिया और देकर के राज मतलब यह कि प्रसन्न होकर और इन लोगों ने जो भंडार अपने अपने लोक में प्राप्त किया उस आत्माओं के भंडार को अपने अपने लोक में किस तरह से फंसा करके रखा है ये किसी को मालूम नहीं। जब ये भंडार खुशी में बख्शीश किया गया था तो ये वहां से विधान बन गया था कि संत साथ ही जाएंगे ताकि ये जितनी भी जीवात्माएं जो जा रही वो फंस न जाए, और अगर फंस भी जाएंगी तो इनके निकलने का रास्ता चाहिए। तो साथ ही साथ संतों को भी उतार दिया और जब तक ये पृथ्वी का जर्रा जर्रा रहेगा संत यहां रहेंगे। वो पहले तो गुप्त थे, उनको कोई पहचान नहीं सकता था, लेकिन बराबर यहां की और अंदर की सब संभाल करते थे और उन्हें कोई पहचान भी नहीं। अब भी है गुप्त, अब भी है, लेकिन जब तक उसकी मौज और मर्जी हुई कि जीवों का जायरा प्रत्यक्ष में लाभ होना चाहिए और मार्ग मिलना चाहिए, वहां के सभी मार्ग डूब गए, रूंध गए और लोग उन मार्गों को खो बैठे और युग का परिवर्तन होने से कमजोरियां आ गई मन पर, बुद्धि पर, चित्त पर, तो ऐसा रास्ता हो जिससे कि जीव यहां से छुटकारा पाए, तो प्रगट संतों को भेजा। गुप्त तो रहेंगे ही, उनको तो कोई नहीं पहचान सकता है सिवाय आने जाने वाले जो संत हैं वो उनको जानते हैं, वो उनको जानते हैं, लेकिन जो प्रगट संत होंगे वो गुप्त संत का समाचार नहीं देंगे। अगर ये कहा जाएगा कि वो बताएंगे नहीं, जानते तो हैं कि ये है लेकिन वो कुछ कहेंगे नहीं, ये उनको आदेश है कि गुप्त संतों का परिचय बिल्कुल नहीं, वो गुप्त ही रहेंगे और प्रगट जो काम करेंगे वो प्रगट हो जाएंगे, वो लोगों के बीच में आ जाएंगे। तो ये संत धार, ये जब से जीवों का भंडार काल भगवान को, ब्रह्म को और पारब्रह्म को और महाकाल पुरुष को दिया है, तब से सतपुरुष ने ये धार बराबर जारी रखी और अभी है, आगे भी रहेगी। अब ये वही लोग जान सकेंगे जो साधक, साधकी जानते, साध जानते हैं, संत जानते हैं, साधों का दर्जा संतों के निकट ही लगभग होता है।